तो भैया सुबह हो गई है, हम लोग उठ गए थे सवा बिग बॉस पांच क्या कह रहे बजे हैं तो नहीं उठे, खैर एमसी साढ़े ट्रॉफी जीत के लेंगे हम लोग का चला 5:30 बजे उठने का गए। प्लान था और करीब 8 बज चुके तो हम लोग बिग उठ बॉस गए सलमान खान आने वाले अभी। तो बस उठ गए हम लोग, एक घड़ी साहब भी लेटा हुआ। बिग बॉस चाहते हैं ए, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं पोखरा की तरफ और वहां जाके देखते हैं भाई खुद जो खर्चा होता है जो साधन से जाते हैं दिखाते हैं भाई, जिससे आप लोग को भी इजी हो जाए और हम लोग भी जितना हो सकेगा इजी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कम खर्चे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा घूम पाए। तो अभी हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, अब देख रहे हैं डेस्टिनेशन जहाँ जाना है मैपिंग से। क्या बात है, खाली यूपी वाले ही आ रहे हैं सब यूपी। ये देखो जरा पकड़ लिए पकड़ ले गए, हाँ इनकी सेल्फी ली जा रही है, मुजरिम पकड़ ले गए। बहुत सारी बातें चल रही थी, हमको छोड़ा जाएगा तो हम लोग घूम के आएंगे। झाड़ू वाड़ू लगा दी दुकान पर, जो पैसा भैया काम तो भाई अभी हम लोग ने पोखरा तक की बस करी है, तो यहाँ का जो भाई एक से नहीं कई लोग से पूछा है, जहाँ पहले रेट तय करने पड़ते हैं ताकि कुछ झोल ना हो जाए, जैसे अपने यहाँ इंडिया में होता है। तो जाहिर सी बात है पहले इधर उधर रेट लेना ही चाहिए ताकि सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ एक्चुअल रेट क्या है। तो हम लोग का जो फाइनली रेट तय हुआ है वो है नेपाली रुपए से 870 रुपये नेपाली रुपए, और वो ये इंडिया का बन रहा है 543 रुपए। तो अभी तो हम लोग ने वही बस करी पोखरा तक के, फिर पोखरा से हम लोग जाएंगे अन्नपूर्णा को, वहाँ से अलग बस करेंगे फिर वहाँ पहुँचते हैं। तो पहले अभी पोखरा तक की सफ़र देखिए, अभी यहाँ फॉर्मेलिटी जो होनी है टिकट की वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, आगे दिखाते हैं आप लोग को। जैसे आप निकलेंगे सब ऐसे घेर लेते हैं कहाँ जाना है। यहाँ आए फॉर्मेलिटीज के लिए, यहाँ से सारी बस जाती हैं ये लोकेशन पर, और ये हमारे टिकट की फॉर्मेलिटीज होने वाली है। एक आदमी साहिब साहिब, यहाँ से आप पोखरा तक की, और यहाँ पे जो भी लोकेशन दिखी आराम से इजिली आप पहुँच सकते हो। और हम लोग भी सब कर रहे हैं, पूरा टोटल आया है हम लोग 4 बंदों का 3480 नेपाली में, और कितना INR में बदल हो रहा है 2175। ये पूरा है 2175 हम लोग का इंडिया रुपीस में, और 3480 है नेपाली रुपीस में, ये हमारी नेपाली करेंसी। पहला नोट आया नेपाली, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। तो अभी हम लोग भाई पूरा कंप्लीट करके फॉर्मेलिटीज़ हम लोग अंदर आ गए लगे करने के लिए वेटिंग रूम में, क्योंकि अभी बस जो है अभी 10:40 पर चलेगी, और तो अभी यहाँ अभी से तकरीबन आधा घंटा बाकी है। तो इस आधे घंटे में भाई हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं अंदर, सबके लगे जा गए और अब डिस्कशन चल रहा है कि वहाँ से पोखरा से होने के बाद कहाँ चलना है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ध्यान से ही मतलब हर एक चीज़ की मालूमात रख लेनी चाहिए, वरना लोगों की बातों में आकर कुछ भी गलत हो सकता है, अननोन समझ के सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आप पहले हर एक 2-3 बंदे से कम क्वेरीज कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ का रेट पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल रेट क्या चल रहा है। बाकी मैं इस वीडियो की वजह से जितना हो सक रहा है ईजी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं किस तरह से रेट मैनेज कर रहे हैं आप लोग सब बता ही रहे हैं, कि अभी बता चुका है कि अपना टिकट जो हुआ है 3480 ही नेपाली रुपीज़ में हुआ था, और उसको 1.6 से डिवाइड कर लीजिएगा आपका INR में निकल आएगा, जो कि बना था 2175 रुपीज़। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी करेंसी को चेंज करने में, जितना लगता है कि यहाँ पे कहाँ चेंज करवाएंगे सबके पास अमूमन मिल ही जाती है, किसी भी शॉप पर जाओगे किसी भी बंदे के पास जाओगे सबके पास इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी दोनों में मतलब बैलेंस रहता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चढ़ाई के बाद हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप है चढ़े हैं, अभी हम लोग करीब 63 किलोमीटर दूरी अभी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं,
अभी हम लोग की वो जो ग्रीन कलर की बस खड़ी है वो हम लोग की बस है। तो अभी यहाँ स्टॉपेज पे रुके हैं, जिसको फ्रेश होना है, खाना पीना है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे सब खा पी रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी तकरीबन 185 किलोमीटर कुछ बाकी है, तो टोटल कुछ 252 किलोमीटर बाकी था, मतलब टोटल था दूरी जब जहाँ से उन्होंने शुरू की थी बस ली थी। तो अभी यहाँ सब हम लोग आए, हम तीनों भाई लोग खड़े हैं और एक भाई पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, अभी कहीं फ्रेश होने गया होगा। तो उसके आने के बाद और बाकी यहाँ पहाड़ी इलाका तो आप लोग को दिखाई दिया कितना मतलब शानदार अभी से लग रहा है, बाकी अच्छा बहुत लग रहा है भाई, बस से आराम से बैठ के आए, अच्छा लग रहा बस। और बस खर्चा होता है वो तो पता है, अभी तक कितना खर्चा हुआ है? 15,000 रुपये। 15,000 खर्चा हो गया भाई का, लेके आया था 2,500 खाली नेपाली रुपये में, पता नहीं कितना खर्चा हो गया। बाकी चेस्ट देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, जिम जाते हैं और हमको भी, मेरी मतलब पर्सनल ये भाई है मेरा जिसके साथ में जाते हैं, वो देखो पल्सर भी चल रही है। अमूमन सारी गाड़ियाँ मिलेगी अपने इंडिया वाली, कुछ ऐसा है नहीं, और नेपाली भी सीख गया, नेपाली बोल के देखो चिंदी, इसका मतलब है कि कितना रेट है तुम्हारा इसका, कहेगा तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अजय हम लोग यहाँ स्टॉप पे रुके थे, बस स्टॉप के पास जहाँ सब बस हम लोग की खड़ी है, और उसके जस्ट पीछे ही इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है जहाँ की आप फोटोशूट कर सकते हैं, जो कि अभी चल भी रहा है फोटोशूट, बहुत बेहतरीन लोकेशन है पीछे की, ये देखिए आपको दिखाते हैं पीछे की ये लोकेशन, देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ का सीन आता है, जितनी फोटो दिखाओ वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी है। अभी इससे बढ़कर और अच्छी अच्छी लोकेशन ऊपर मिलने वाली है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अभी तो ये खाली कह सकते हैं डेमो है। और यहाँ पीछे का ये सब ग्रीन हाउस लगे हैं, और पीछे ग्रीन हाउस है और पीछे माउंटेन, ये पूरी लोकेशन, ये वाला की लीवर है इधर वाला, ऐसे में तो मैं ठीक नहीं आ रही, इसमें सही अच्छी लग रही थी, तो हम मतलब ये है कि पूरा उधर ही चला। अब हम लोग को जल्दी लोकेशन पे फोटो सब खींच के चलना है वापस बस की तरफ, कहीं छोड़ के चला ना जाए, हम लोग यहीं फोटो खिंचवाते रहे। हथौड़ा जगह के नाम है इस लोकेशन जहाँ पर लोग रुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है, वहाँ देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जाम है, अगर आप लोग देखें उस घर के सामने तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है, लेकिन हम लोग ने देखा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था, और बगल में इतनी मतलब ज़बरदस्त जगह थी लोकेशन, यहाँ हम लोग फिर आ गए हैं थोड़ा टहलने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, सब फोटोशूट चलने लगा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे भाई, बहुत अच्छा सीन लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मतलब एकदम शांति, ना कोई भीड़ भाड़, बस पानी और भाई बस बहुत मज़ा आ रहा है यार। अभी काफ़ी टाइम पोखरा है पहुँचने में है, क्योंकि अभी डिस्टेंस आधी कवर, आधी भी शायद कवर नहीं हुई है, तो अभी सब
करते थोड़ा इंजॉय, फिर दिखाते हैं। और आगे थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए सब सिंगिंग हो रही है, आप लोग को दिखाते हैं। ये सिंगिंग हो रही है भाई सामने इंटरटेनमेंट के लिए, वो देखिए अभी भी फ़ोटो शूट चल रहा है। और ये भाई हम लोग को बस में मिले थे नए अड्डे पे। भाई हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने पोखरा पर। सुबह 10:40 पर बस पर बैठे थे और अब बज रहा है 9, समझ आइए अब कितना, 11 घंटे तकरीबन पूरे हो गए फुल खाली बस पर बैठे बैठे। इतना लंबा सफ़र पहली बार हुआ है, बैठे बैठे भी थक गए। अब जा रहे हैं होटल के लिए, रूम बुक करते हैं। देखिए सब लोग रास्ते में, वो भाई हम लोग के गाइडर हैं सामने, इन्हीं का होटल है तो इन्हीं के होटल में जाते हैं, देखते हैं होटल रूम कैसा होता है, समझ में आता तो लेते वरना नेक्स्ट होटल के लिए चलते हैं। पहली बार में कुछ होती नहीं डिसाइड, एक बार होटल देखो समझ में आया तो ठीक है वरना नहीं, फिर नेक्स्ट होटल इसी में ढूंढने ढूंढने में आधा टाइम इसी में निकल जाता है। फाइनली हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, आ चुके हैं बुलाने के लिए कि उनका खाना लग चुका है कि आ जाए खा लीजिए आप लोग आके। भाई दो लोग तो फ्रेश हो चुके हैं, बस जैसे वो आता है फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। और ये जो रूम हम लोग ने लिया है पोखरा के ऊपर, वैसे तो आप लोग जैसे बस से उतरेंगे पोखरा पे तो आपको ऐसे सब आ जाएंगे जैसे लाइक यू फील सेलिब्रिटी, ऐसे सब आ जाएंगे कि भाई मेरे होटल चलो एडर होटल चलो। वो डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए बेटर कौन सा होगा, क्योंकि बहुत से होटल अलग अलग जगह पर होते हैं, कुछ लेक के पास होते हैं, कुछ अलग डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। एज योर सूटेबल आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो हम लोग ने जो लिया है जहाँ से हम लोग बस उतरे थे उसके थोड़ा 5 मिनट की रास्ता है, उसके पास ही है होटल ये। तो ये हम लोग को मिला है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ नेपाली में, 650 रुपीज़ INR मतलब इंडियन रुपीज़ में बना था, तो पर पर्सन का ये था। तो सबसे बेस्ट होटल हमको यही लगा अभी तक जितने होटल में हम रुके हैं यहाँ आते टाइम, क्योंकि इससे पहले और भी होटल में रुक चुके हैं, तो ये सबसे बेस्ट होटल लगा इस बार। कम प्राइस में बेस्ट होटल, साफ़ सुथरा, सारी फैसिलिटीज़ है, वाईफाई भी दबा के चलाओ अनलिमिटेड, खाना भी इसी होटल में। तो अभी सब चलते हैं खाना खाते हैं। पूरा नेपाली खजाना देखो, ये 100 रुपये ये पूरा अपना खजाना है, 500 ये नेपाली रुपीस नेपाली करेंसी, ये 500 की। और इंडिया जाते जाते ये सब सारी छिन जाएगी क्योंकि ये सबको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। 500 की ये सब हिंदी में लिखा है इसमें ना, मेरे को 500 लिखा हिंदी में। और ये है 100 रुपए की नोट, 100